हेलो दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि कैसे आप सभी लोग जो है आपका जो एग्ज़ाम सेंटर है वो चेंज कर सकते हैं। अगर आप अपना एग्ज़ाम सेंटर चेंज करना चाहते हैं तो आपको इस वीडियो को स्टार्टिंग से लेके एंड तक देखना है, तभी आप जो है जो आपका एग्ज़ाम सेंटर है वो चेंज कर पाएंगे। आपके जो मोबाइल है उसी में से आप इसको चेंज कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको ओपन करना है आपका गूगल। जैसे ही आप अपना गूगल ओपन कर लेंगे तो आपको यहाँ पे टॉप में सर्च का ऑप्शन दिख रहा होगा, आपको यहाँ पे सर्च करना है उत्तराखंड ओपन यूनिवर्सिटी या UOU। जैसे ही आप ये सर्च करेंगे कुछ इस प्रकार से आपके सामने उत्तराखंड ओपन यूनिवर्सिटी की जो वेबसाइट है वो आ जाएगी। आपको इस पर क्लिक कर लेना है और क्लिक करने के बाद जो उत्तराखंड ओपन यूनिवर्सिटी की जो रियल वेबसाइट है वो आपके सामने कुछ इस प्रकार से ओपन हो जाएगी। तो यहाँ पे आपको क्या करना है दोस्तों, यहाँ पे आपको साइड में शो हो रहा है ऑनलाइन एडमिशन, आपको इस पर कर देना है क्लिक। जैसे ही आप ऑनलाइन एडमिशन पे क्लिक करते हैं तो कुछ इस प्रकार से आपके सामने ओपन हो जाएगा। तो यहाँ से आपको क्या करना है दोस्तों, अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो आपको हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। और अगर आप BA फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर और फाइनल ईयर के स्टूडेंट्स हैं तो आपके लिए दोस्तों आपके जो प्रीवियस क्वेश्चन हैं वो भी हमारे चैनल पे जो है सॉल्व किए जा रहे हैं, तो आपको वो वीडियो भी देख लेनी है क्योंकि उन वीडियो से आपको हेल्प मिल जाएगी थोड़ा, जो आपके एग्ज़ाम में आप अच्छे नंबरों से पास हो सकते हैं। तो इसके बाद आपको क्या करना है दोस्तों, आपको जाना है यहाँ पर, आपको दिख रहा होगा स्टूडेंट कॉर्नर, तो आपको इस पर क्लिक कर लेना है। और जैसे ही आप स्टूडेंट कॉर्नर पे जो है क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपके सामने जो अलग अलग जो ऑप्शंस हैं वो आपको दिखाई देने को मिलेंगे। तो यहाँ पे आपको जाना है एग्जामिनेशन सिटी चेंज। तो जैसे ही आप यहाँ पे एग्जामिनेशन सिटी चेंज पे जो है क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ इस प्रकार से ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पे आपको क्या करना है दोस्तों, यहाँ पे आपको सबसे पहले आपका जो इनरोलमेंट नंबर है वो यहाँ पे आपको डालना है, जो आपका इनरोलमेंट नंबर है वो आप यहाँ पे डाल देंगे। उसके बाद आपका जो है यहाँ पे आ जाएगा डेट ऑफ बर्थ। तो नीचे जो डेट ऑफ बर्थ है दोस्तों, ये आपको जो यहाँ पे एक कैलेंडर दिख रहा है उसकी मदद से ही आपको फिल करना है। जैसे ही आप कैलेंडर से आपकी जो डेट ऑफ बर्थ है वो सेलेक्ट करेंगे तो उसके बाद आपको यहाँ पर सर्च के ऑप्शन में जो है क्लिक कर लेना है। जैसे ही आप सर्च के उसमें क्लिक करेंगे तो कुछ इस प्रकार से आपके डिस्प्ले में शो होगा। तो चलिए अभी मैं भी जो इनरोलमेंट नंबर है और जो डेट ऑफ बर्थ है वो फिल कर लेता हूँ। तो दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं मैंने जो इनरोलमेंट नंबर है और जो डेट ऑफ बर्थ है वो यहाँ पे फिल कर दिया है। तो उसके बाद कुछ इस प्रकार से आपके सामने ओपन हो जाएगा। तो ओपन होने के बाद आपको क्या करना है, जो आपका एग्जामिनेशन सिटी है जो आप चेंज करना चाहते हैं वो यहाँ पे आपको जो है सेलेक्ट कर लेना है। और उसके बाद आपका जो रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है वो यहाँ पे आपको जो है सेलेक्ट करना है। जैसे ही आप उसको सेलेक्ट करते हैं, ये देखिए यहाँ पे मेरा नंबर भी आ गया, उसको आपको सेलेक्ट करना होगा जो रजिस्टर्ड होगा। और जैसे ही आप गेट OTP पे क्लिक करेंगे तो आपके पास एक वेरिफिकेशन कोड जाएगा, वो वेरिफिकेशन कोड जो है आपको यहाँ पे एंटर करना है। और जैसे ही आप उस जो वेरिफिकेशन कोड है उसको यहाँ पे एंटर करेंगे तो उसके बाद आपको नीचे सबमिट का ऑप्शन दिख रहा है, ये आपको इस पर क्लिक करना है। और उसके बाद जो है आपको जो है सक्सेसफुली जो आपका एग्ज़ाम सेंटर है वो चेंज हुआ है या नहीं हुआ है वो आपको वहाँ पे दिखा दिया जाएगा, या तो आपको मेल आ जाएगी या तो आपको टेक्स्ट मैसेज के थ्रू जो है यूनिवर्सिटी के थ्रू आपको बताया जाएगा। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, और अगर आप हमारे चैनल में पहली बार आ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही में जो बेल आइकन है उसको भी ऑल पे प्रेस कर लीजिए, ताकि जो भी मैं आपके लिए वीडियोस लेके आऊँ उत्तराखंड ओपन यूनिवर्सिटी से रिलेटेड, उनके जो नोटिफिकेशंस हैं वो आपको आगे मिलते रहें।